ये एक्ट्रेस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आजकल बहुत आ रही है। हाँ, तबस्सुम जी, वो मैं ये कह रही थी कि क्यों ना इन सोफों के पास यहाँ कुछ कुर्सियां भी लगा लें। अच्छा है ना, सब एक साथ एक जगह ही बैठ जाएंगे। इतनी सीटिंग तो है, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम है वैसा हमारा घर है। वो लोग तो जानते हैं ना कि हम अमीर नहीं है। देखो तबस्सुम, अल्लाह अल्लाह करके पहल होने जा रही है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम देखना, इंशाल्लाह राबिया का भी रास्ता यहीं से खुलेगा। फुपो, आपने बताया है नहीं वो लोग कौन है? भाई, हमारा मोहल्ला देखकर, फैमिली देखकर ही उन्होंने रिश्ता डाला है ना, तो वो बेहतर जानते होंगे। अरे, उसके वालिद जो है ना एसएसपी थे, और माशाल्लाह लड़के का अपना बिजनेस है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। बस उन्हें एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की चाहिए। और वो तो उन्हें नूर में ही दिखी होगी, है ना? क्या हो गया बेटा, अभी वो कोई शादीवादी की बात करने थोड़ी आ रहे हैं? बात तो एक ही है। क्या हर्ज है, वो एक सौ बिस्मिल्लाह वो आए, लड़की को देखें, मिलें, बातचीत करें। मैं चाहती हूँ कि तुम तैयार हो ना, और चाय का सारा बंदोबस्त भी तुम ही संभालो। वैसे कितने लोग आ रहे हैं? भाई, ये तो मैं उनसे पूछना ही भूल गई। वैसे तबस्सुम हैं तो सीधे साधे लोग, मेरे ख्याल से तो एक दो लोग ही आए शायद, और अब हफ्ते में दिन ही कितने रह गए। तो मैं ऐसा करती हूँ, उनसे फोन करके और मजीद पूछ लेती हूँ। बस तुम ना सारे इंतजामात बहुत अच्छे से देख लेना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। चलो, मैं फिर उन्हें फोन करके पूछती हूँ कि भाई कितने लोग आ रहे हैं। सादे से लोग हैं, दो लोग आएंगे, तंबू लगा दें क्या सीटिंग पे? और तुम जिंदगी भर ऐसी रहना। मैंने क्या किया है अब? इशारे भी कर रही थी, अपना मुंह बंद कर लो, बात से बात निकालती जा रही थी। पता नहीं है ये औरत हमारी सारी गुफ्तगू जाकर फंसी और नूर से बताती है। बात तुम बताते ही रहे, मैं कौन सा डरती हूँ किसी से। ये नहीं है, पूरी फैमिली से मिलने आ रहे हैं ना, फैमिली में सिर्फ नूर तो नहीं है। मतलब देखो मैं कैसा चक्कर चलाती हूँ, ये रिश्ता तो नहीं मैं उन्हें देती। लेकिन फुप्पो जितना वेल ऑफ कह रही हैं, अगर वो लोग इतने वेल ऑफ हुए ही नहीं तो यही तो देखना है। नूर से ज्यादा अच्छी तैयार होंगी मैं, देखिएगा आप। तुम हो ही नूर से अच्छी, नूर क्या है?